इधर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज राजधानी भोपाल में हुई और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक और बैठक होगी। आज की बैठक में अगली रूपरेखा तय हुई है, सरकार के कामों को नीचे तक ले जाने पर बातचीत हुई है और जल्द ही एक और बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है। इधर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया, संगठन के बूथ विस्तारीकरण पर बात हुई है, 2023 के चुनाव की रणनीति बनी है। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति पर बातचीत हुई है, आगे भी बैठक होगी। संगठनात्मक चर्चा हुई, केंद्र सरकार की जो नीति दी गई है, केंद्र संगठन की, उसका क्रियान्वयन पर हमारी चर्चा हुई। अच्छी लंबी विस्तृत चर्चा हमारी हुई और आगे आगामी बैठक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोर ग्रुप में कुछ हुआ, आगामी कुछ कार्यक्रम तय, उस प्रकार की कोई भी चर्चा करने के लिए हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और पिछली बैठकों में कुछ हुआ है क्या जो कार्यक्रम तय किए? हाँ, कार्यक्रम चलते रहते, चुनाव के पहले हुए थे, अब आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए और डे टू डे पार्टी के संगठन के कार्रवाई को की योजना से संबंधित चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो चर्चा बाहर हम लोगों को कोट करने का अधिकार नहीं है। जी जी, पर ये माना जाए कि मतलब 23 को लेकर चर्चाएं तो होती है, स्वाभाविक तौर पर तैयारियां भी होती है। बिल्कुल। चलिए, राजेंद्र शुक्ल जी है, कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन होता है जिसमें बहुत कुछ बातें हैं, बैठक की बताई नहीं जाती, हर एक व्यक्ति का जिम्मा होता है, उसी के आधार पर काम किया जाता। डिंपल के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। इधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी बंसल न्यूज ने बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बैठक चली, फग्गन सिंह कुलस्ते मेरे साथ, कैबिनेट मंत्री। सर क्या रहा दिन भर के, यदि लबलुबाब हम देखे, बहुत सारी बैठकें हुई। देखिए, हमारा एक नियमित बैठक होती है जब हम लोग मिलते हैं, तो इस दृष्टि से ये बैठक होती है और इन्हीं में जो विषय हैं पार्टी के विस्तार की दृष्टि से उन पे बातचीत होती है। तो क्या बैठक में 2023 की रणनीति पर तो चर्चा, जाहिर सी बात है, तो चुनाव बाद में है, परंतु जो रूटीन बैठक है उन सारे विषयों में हम लोग बात करते हैं। तो कहीं कुछ बात आगे, मतलब अभी जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव है, बाकी चुनाव इन पर चर्चा हो रही है। पंचायत का तो हो गया चुनाव, ये जरूर है कि अच्छी सफलता मिली है, उस पर भी चर्चा हुई, कुछ कमियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी कुछ चुनाव बाकी जो स्थानीय है ना वो होने वाले हैं, तो इन दोनों चीजों पर बातचीत। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो कह रहे हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, कई सारे निर्णय इसमें हुए हैं, संगठन की दृष्टि से भी कैसे आगे बढ़ना है और बाकी किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाना। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।